Now, our next topic is charged particle moving in uniform magnetic फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा? अभी हमने फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा हम वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वन केस है इसके लिए, व्हेन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन कैसे होगा? पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। ओके, तो उस टाइम पे हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज अ वी वेक्टर। चार्ज पार्टिकल मूव एन एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स पैरेलल मूव कर रहा है, अगर एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो कितनी होगी? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एम वैक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है वो क्या होगी हमारे पास? बी क्यू वी साइन थीटा। अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहे हैं या एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो एंगल है वो 0 होगा या 180 होगा, देन जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। दस मूविंग चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इट मीन्स जब कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उस टाइम पे उसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं होगी। तो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली टू मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, वो कैसे मूव करेगा फिर एज अ स्ट्रेट लाइन जब वो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास, वेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल। जब वो एज अ परपेंडिकुलर राइट एंगल की फॉर्म में जो चार्ज पार्टिकल है मूव करेगा तो उस टाइम पे हमारे पास उसकी क्या वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब मैंने क्या किया, कंसीडर किया एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है मेरे पास? प्लस क्यू। वो कहाँ एंटर कर रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न है, ये सारा मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न है। यहाँ पे ये क्रॉस क्रॉस के साइन है, इट मीन्स ये सारा रीज़न कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक मेरे पास चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, वो क्या करेगा? इस यहाँ पे मूव करेगा, इसी मैग्नेटिक फील्ड के रीज़न में मूव करेगा। अब वो एक सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होगी, वो कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये तो हम पता ही है कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब फर्स्टली चार्ज मेरे पास यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहाँ से प्रोवाइड होती है? अंदर से सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है। और चार्ज कैसे मूव कर रहा है? लाइक दिस वन। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? एक परपेंडिकुलर। अब चार्ज आगे मूव हुआ, पहले चार्ज जो उसकी फोर्स थी वो ऐसे थी, अभी चार्ज मूव करेगा तो उसकी फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अभी जो फोर्स है वो कैसे हो जाएगी? इस डायरेक्शन में। पहले वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, अब वेलोसिटी कैसे होगी हमारी? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी। फिर चार्ज आगे मूव करेगा, जब चार्ज आगे मूव करेगा तो फोर्स हमारी डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी और जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी। अब सारा प्रोसेस ऐसे ही मूव होता रहेगा। ओके, नाउ एफएम। एफएम क्या है मेरे पास? मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू वी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म है। थीटा अगर 90 डिग्री है, राइट एंगल ले रहे हो तो थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। तो एफएम कितना आ जाएगा? बी क्यू वी। इट मीन्स जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगी और जो चार्ज है, जो चार्ज का पाथ है वो कैसा हो जाएगा हमारे पास? सर्कुलर। चार्ज पहले यहाँ था, फिर यहाँ 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 ऐसे ऐसे मूव करेगा तो उसका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा हमारे पास? सर्कुलर। अब इस सर्कुलर पाथ है तो इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे हम। रेडियस क्या होगा सर्कुलर पाथ का? अगर मेरे पास m उसका मास है चार्ज का तो रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का वो कितना हो जाएगा? स्मॉल r। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है उसका फॉर्मूला क्या होगा? एफ सी मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 1। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है वो किसके द्वारा अप्लाई हो रही है? मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, मैग्नेट का इफेक्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे तभी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रही है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी? एफ एम इज इक्वल टू बी क्यू बी। जितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगी, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? इक्वल। इट मीन्स एफ सी इज इक्वल टू एफ एम। तो एम बी स्केयर अपॉन आर इज इक्वल टू बी क्यू बी। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम बी स्केयर अपॉन बी क्यू
अब ई वी के साथ वी कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू. हेयर एम इज द मास ऑफ पार्टिकल, वी इज द वेलोसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्यू इज द चार्ज एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. ओके, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और वेलोसिटी के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज के. तो जब पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वहाँ पे एक एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर वी स्क्वायर. ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू बी आर अपॉन एम. अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फोर में, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ एम क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर. सॉल्व करोगे, एम के साथ एम कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम. अब कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसको कितना टाइम पीरियड होगा उसका, चार्ज पार्टिकल का मूव करने के लिए, एक सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लगाएगा, वो हमने फाइंड आउट करना है. ओके, टू कंप्लीट अ सर्कुलर पाथ, तो टी किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई आर अपॉन स्पीड को हम डिनोट करेंगे अवी के साथ. अब इसको पुट कर दो, जो यहाँ पे आर की वैल्यू है हमने फाइंड आउट की थी क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वो आर की वैल्यू पुट कर दो, तो टी कितना आ जाएगा, टू पाई अपॉन अवी इंटू एम वी अपॉन वी क्यू. वी के साथ वी कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू टू पाई एम अपॉन बी क्यू. ओके, ये टाइम पीरियड फाइंड हो गया. अगर हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी होगी तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी न्यू कितना आ जाएगा, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम. तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला आता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू कितना है, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. तो ओमेगा कितना आ जाएगा, बी क्यू अपॉन एम. तो इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम गायरो फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं. जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वो पार्टिकल की स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करती. थर्ड केस है आगे, अब हमारे पास व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड. पहले हमने फाइंड आउट किया जब चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा, फिर हमने फाइंड आउट किया जब चार्ज जो है वो परपेंडिकुलरली फॉर्म करेगा. अब हम फाइंड आउट करेंगे जब चार्ज पैरेलल एंटी पैरेलल राइट एंगल सभी डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल पे. तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर. ओके, लाइक दिस वन, जो ये सॉलिड लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि कोई जो चार्ज है वो एज अ पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, जो डॉटेड लाइंस है वो शो कर रही हैं कि वो एज अ परपेंडिकुलर जो है वो मूव कर रहा है, दोनों का कम्बिनेशन है. ओके, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा, अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू वी कोस थीटा. ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की अवी वेक्टर. अब कंसीडर किया एक चार्ज पार्टिकल जिसका मास एम है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी के साथ, एंगल थीटा है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम डिनोट करते हैं बी वेक्टर के साथ. नाउ अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी कोस थीटा, अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी साइन थीटा. जब चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, वी कोस थीटा. तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी हो जाएगी, वी क्यू बी साइन थीटा. यहाँ पे हम अवी की वैल्यू पुट करेंगे, अवी कितना है मेरे पास, अवी कोस थीटा, थीटा कितना था मेरे पास, पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, तो थीटा जीरो होगा जो 180 डिग्री होगा. तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एम इज इक्वल टू जीरो. जब जो चार्ज है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, अवी साइन थीटा. ओके, तो अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स कितनी आ जाएगी, बी क्यू अवी साइन थीटा साइन 90 डिग्री. साइन 90 कितना होता है, 1, सो बी क्यू वी साइन थीटा. अब जो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, इट मीन्स सर्कुलर पाथ फॉर्म हो रहा है, उसको यहाँ पे मूव करने के लिए अंदर से एक फोर्स अप्लाई हो रही है, वो फोर्स कौन सी, हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की इक्वल हो जाएगी. इट मीन्स एफ सी इज इक्वल टू एफ एम. एफ एम हमने फाइंड आउट कर ली, वी क्यू वी साइन थीटा आ गया, तो एफ सी कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर.
ओके तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कब अप्लाई हुई, जब जो चार्ज पार्टिकल है कैसे मूव किया एज अ परपेंडिकुलर, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर के लिए वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी, वी साइन थीटा, तो मैंने वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से हम स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो इतनी वैल्यू आ जाएगी। अभी कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके लिए टाइम पीरियड भी होगा, फिर हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर के लिए वेलोसिटी कितनी है, वी साइन थीटा, वो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम आर की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πm अपॉन बी क्यू। तो फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1/T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी क्यू अपॉन 2πm। इट मीन्स चार्ज पार्टिकल इज अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, जब दोनों इफेक्ट होते हैं तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। अलोंग जब हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो वी कॉस थीटा, और जब हम परपेंडिकुलर देखते हैं, वर्टिकल देखते हैं तो वी साइन थीटा। ओके उस टाइम पे वी साइन थीटा में जो चार्ज है वो एज अ सर्कुलर पाथ मूव करना शुरू हो जाता है, बट हॉरिजॉन्टल में वो स्ट्रेट लाइन जो है वो मूव करता है। ओके तो देन पिच ऑफ हेलिक्स, अब ये हेलिक्स स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसके हमने पिच फाइंड आउट करनी है। पिच क्या होती है हमारे पास, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो एक चार्ज पार्टिकल द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। तो ये किसके इक्वल होता है, वी कोस थीटा इंटू टी, वी कोस थीटा, टी की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से पिच की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी।